इन्होंने सीआईडी, आहट और सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और कसौटी जिंदगी की, और प्रिया तेंदुलकर के शो थे रजनी, और काफी सारे एपिसोड और काफी लंबे समय तक इन्होंने डायरेक्शन का काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। और ऐसे जौहरी हीरे के पारखी, उनसे मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। उनका नाम है मुकेश दुबे। आए और आगे का परिचय अपना आप खुद दें। हेलो दोस्तों, शाहरुख में वैसे बहुत से शब्द कह दिए हैं, लेकिन अगर मैं अपना रिसेंटली परिचय आपको दूंगा कि मैं क्राइम पेट्रोल, क्राइम अलर्ट, साउथर्न इंडिया कर रहा हूं, तो एक क्रिमिनल कहलाऊंगा क्यों मैं क्राइम प्रोग्राम कर रहा हूं। सर, मैं विलन लेकिन का काम करता हूं। हाँ सर, मैं विलन का काम करता हूं। सर आपका स्वागत है सर। सबसे अच्छी बात है कि पहले तो मैं गौरव जी और रमेश जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये स्टेज मुझे मिला, और आप सबका ये सम्मानित नजरें जो मुझ पर गिर रही उसके लिए आप सबका भी आभारी हूँ। और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से ही मैं अभी तक पिछले 20 साल से डायरेक्शन के इस क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। आहट शायद आपने नाम सुना होगा। आहट मैंने डायरेक्ट किया है करीब 100 एपिसोड, 250 एपिसोड सीआईडी डायरेक्ट किए हैं। कसौटी जिंदगी की, धर्मवीर, शकुंतला और इस प्यार को क्या नाम दूँ, फलाना फलाना फलाना, काफ़ी कुछ। अभी फिलहाल क्राइम से थोड़ा सा बचने के लिए दूरदर्शन का एक प्रोग्राम है, एक टॉक शो है जो काफ़ी अच्छे लेवल पर किया जा रहा है, उसको टॉक शो को भी मैं कर रहा हूँ और वो बहुत जल्द टेलीकास्ट होने वाला है, जिसमें हम समाज में ऐसे लोगों को सामने ला रहे हैं जो निस्वार्थ भावनाओं से गरीबों के लिए सेवा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक सम्मान्य मंच दिया है, अभी उसमें लगा हूँ। अब आता हूँ आप सबकी बातों पे कि यहाँ मौजूद कलाकार देख के एक डायरेक्टर पिघल जाता है। मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकारों को यहाँ पर देखा जिन्होंने अपना अपना परफॉर्मेंस दिया है, और जो नज़रों में रह गए हैं, किरण जी हैं, सदाशिव जी हैं, रश्मि जी हैं और सदा से। हाँ सर, आपका नाम एंड में ऑल ओवर करके लूंगा। तो इस तरह से काफी सारे कलाकार हैं जिन्होंने यहाँ पर परफॉर्म किया, और उन सबका परफॉर्मेंस देख के एक ये जो जज्बा है, जो जुनून है, वो बनाए रखना है बहुत जरूरी है। ये जो यहाँ देखने को मिल रहा है वो हम जैसे जुज गए हैं जोहरी, जो छोटी सी दुकान लेके बैठा हुआ हूँ मैं, मगर पर अगर हीरे को परखता हूँ तो बहुत बड़ी बात कहलाती है, और पत्थर अगर हीरा बन जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब आता हूँ गौरव जी और रमेश जी पे, जैसा जीआर म्यूजिक गैराज। गैराज ऐसी चीज है जहाँ खराब से खराब गाड़ी को भी चालू कर दिया जाए। ये वो गैराज है जहाँ पर मसरीज से लेके तो ऑडी से लेके तो 800 तक, और इवन कभी कभी कोई बाइक वाला आता है, देखना जरा इसमें पेट्रोल तो नहीं, कार्पोरेट का। तो ऐसी ऐसी गाड़ियां जहां दुरुस्त होती है, उसी गाड़ियों की श्रेणी में आज उसी तरह के मसरीज और ऑडी और ये काफी उसी तरह के कलाकार आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, और इस गैराज में आपकी दुरुस्ती हो रही है। मैं इन दोनों मैकेनिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह के हौसला अफजाई के प्रोग्राम करते रहें, ताकि वो कलाकार जो अपनी कला को किसी तरह आगे नहीं ला रहे हैं, या उन्हें मंच नहीं मिल रहा है, या स्टेज नहीं मिल रहा है, या जरिया नहीं मिल रहा है, वो अपने आप को कम से कम एक कॉन्फिडेंस के साथ एक मंच पर खड़ा कर सकें। बस यही मेरी इच्छा है, और हमेशा एक डायरेक्टर होने के नाते एक कलाकार को जिंदा रखना मेरा सबसे बड़ा एम है। आप सबको मैं ऑल द बेस्ट कहूंगा लाइफ में, आगे बहुत तरक्की करें, बहुत करें, और ये गैराज दिन दुगना रात दुगना तरक्की करें, ये मेरी शुभकामना। रमेश जी ऑलरेडी सर, आप इनको यहाँ रुकाया था एक काम के लिए, अब इतने नहीं, इतने बड़े जौहरी यहाँ पे हैं तो उनको तराश, हम लोग को तराशने का काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ दो तीन हमारे भी नग हैं यहाँ पर, नग बोलूंगा, हाँ अभी मतलब पॉलिश होना बाकी है। निरंजन जी आइए ऊपर, दिनेश जी आइए ऊपर, ये तीन जो हैं तिगड़ी हैं जे आर म्यूजिक गराज के, एंड दे आर लाइक स्टैलवर्ट्स इन सिंगिंग बट स्टिल दे वॉन्ट जे आर म्यूजिक गराज, सो That's for them, and I would like you all to please felicitate sir over here. Rashmi ji, aap bhi please. Thank you sir, thank you, aap yahan aaye. Thank you, Ravi ji, thank you. Chaliye, karo aage badhate hain.